जैन फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के स्पोकन इंग्लिश क्लास थ्रू हिंदी एंड भोजपुरी में। फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। फ्रेंड्स, अगर सिंपली समझे तो अंग्रेजी भाषा में हैज, हैव और हैड एक हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी सहायक क्रिया है, और इसे मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, जिससे जिसका हिंदी मीनिंग होता है पास रखना या पास होना, यानी किसी चीज का रखना या होना, जिससे कि एक स्वामित्व का बोध होता है, यानी एक मालिकाना हक का बोध होता है, यानी किसी के पास कुछ है या कोई कुछ रखता है, यानी उसके उससे पूछे बगैर कोई उसे उसे अलग नहीं कर सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस फॉर्मेशन आज हम सीखेंगे। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कार हैं, मेरी चार पत्नियां हैं, यानी कि चारों पत्नियों का जो स्वामी हूँ मैं हूँ, यानी मालिकाना हक मेरा है, मेरे पूछे बगैर कोई उसे मेरे से अलग नहीं कर सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन आज सीखेंगे। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हैज, हैव और हैड के का यूज करके पॉजिटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन करना, यानी बनाना सीखेंगे। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है उसे लिख देंगे। उसके बाद हैव, हैज या हैड कोई भी एक यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि हैव कहाँ यूज होगा, हैज कहाँ यूज होगा और हैड कहाँ यूज होगा। तो जब भी प्रेजेंट टाइम की बात हो, यानी अभी हाल फिलहाल जो समय चल रहा है, इस समय की कुछ बात करनी हो, तो उसमें हैव और हैज ही आएगा। पास्ट टाइम के लिए हैड आएगा, लेकिन हैव और हैज प्रेजेंट टाइम में बोलने के लिए भी एक रूल है, ही, सी, इट या किसी भी नाम के साथ हैज आएगा। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएंगे, जैसे आई, वी, यू, दे, सबके साथ हैव आएगा। और पास्ट तो एकदम सिंपल है, सभी के साथ, यानी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हैड लग जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखे समझते हैं। जैसे अगर हिंदी में हम बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है या मुझे एक कार है, हम हिंदी में कैसे भी बोलें, उससे उसका सेंस क्या होगा, यानी उस पर मालिकाना हक, यानी उसका स्वामित्व उसके ऊपर मेरा है, मेरे पूछे बगैर कोई उससे कहीं ले नहीं जा सकता या यूज नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास एक कार है या मुझे एक कार है, मुझको एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, ऐसे कैसे भी बोले हिंदी में, सबका अंग्रेजी होगा आई हैव अ कार, यानी आई के साथ हैव लगेगा, केवल ही, सी, इट। और फ्रेंड्स, ये इससे प्रेजेंट टाइम की बोध होगी, यानी मेरे पास एक कार है मतलब अब भी मेरे पास एक कार है, तो इससे प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है। तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में ही, सी, इट और किसी नाम को छोड़ करके बाकी सबके साथ हैव ही यूज होगा। जैसे मेरे दो हाथ हैं, या मेरे पास दो हाथ है, या मुझे दो हाथ है, या मुझको दो हाथ है, या मैं दो हाथ रखता हूँ, इसी को अगर भोजपुरी में बोलना हो कि हमारा दो गो हाथ बा, तो इसका अंग्रेजी होगा आई हैव टू हैंड्स। ऐसे ही अगर हिंदी में बोलना हो सीता की चार बहने हैं, तो सीता, यानी सीता के पास चार बहने हैं, या सीता चार बहने रखती है, कैसे बोल सकते हैं, सीता को चार बहने हैं। ये भोजपुरी में बोलना हो कि सीता के चार गो बहन बालो, तो ऐसे इसे अंग्रेजी में फॉर्म करेंगे सीता हैज फोर सिस्टर्स, यानी सीता एक नाम है तो इसके साथ है ही लगेगा। उन लोगों को इस विषय का ज्ञान है, या वे लोग इस विषय का ज्ञान रखते हैं, कैसे भी बोलें सबका होगा दे हैव, यानी दे के साथ हैव लगेगा, दे हैव नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। ऐसे ही अगर बोलना हो राम के पास हेलीकॉप्टर थी,
तो अब ये जो बात हो रही है तो पास्ट टाइम की बात हो रही है, यानी पहले उसके पास थी, यानी उस समय बीत चुका है, अभी पता नहीं है कि नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ हैड यूज होगा, कोई भी सब्जेक्ट आए सबके साथ हैड हैड हैड, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन है, यानी इसमें हैव है जो वाला झमेला ही नहीं है, सबके साथ हैड ही लगेगा। मीरा की दो आंखें हैं, यानी मीरा के पास दो आंखें हैं, मीरा को दो आंखें हैं, यानी मीरा के दो आंख बा भोजपुरी में, तो उसे अंग्रेजी में बोलेंगे मीरा हैज टू आइज। हम लोगों के पास बंदूकें थी, या हम लोग बंदूकें रखते थे, कैसा भी हो यानी उस पर मेरा स्वामित्व है। इसे अगर भोजपुरी में बोलना हो कि हमने क्या लगे बंदूक रहे, यानी वो समय बीत चुका है, पास टाइम की बात हो रही, तो सिंपली वी हैड गन्स होगा। तो फ्रेंड्स, और ऐसे ही आप खुद से बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से बनाएं और उसे अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, सी विथ नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।